यज्ञ के परिणाम में, चित्त के निरोध और विलेक काल में प्राणायाम चित्त की निरोधावस्था है, उस समय यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है ज्ञानामृत, अमृत का ज्ञान, जो आत्मा अकाट्य अशोक अमृत तत्व शाश्वत सत्य है ना, उस अमृत तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन से मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ये माइक है, टेबल है, कागज है, ये ज्ञान नहीं है, ये तो सामाजिक जीवन यापन का दायरा है। कुछ न कुछ लोग याद करते ही रहते हैं, संपूर्ण याद तो कोई नहीं कर पाया। साक्षात्कार के साथ दर्शन हुआ और जानकारी हुई, उस अमृत तत्व परमात्मा की मृत्यु स्मरण उसकी जानकारी का हुई कि ज्ञान, उस ज्ञान अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। पहले का उप आत्मा सनातन, ब्रह्म सनातन, बृहद है इसलिए उसका नाम ब्रह्म है, वो व्याप्त सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ये स्थिति किसे मिलती है? ब्राह्मण को, डुमार को, चमार को, गाय को, बैल को, किसे मिलती है? नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्मा, यज्ञ रहित इस मानव के लिए, पुरुष के लिए दोबारे मानव तन भी सुलभ नहीं है, परलोक कैसे होगा? जिस यज्ञ का परिणाम अमृत का भोजन, सनातन ब्रह्म में स्थिति है, वो करने का अधिकार उसको है जिसको दो हाथ पैर वाला दुर्लभ मानव तन मिला है। गीता भेदभाव मुक्त है, कोई ऐसा पाप नहीं। आपको मनुष्य शरीर मिल गया तो दुनिया का धंधा पानी में कुछ को हम पाप कहते हैं, कुछ को पुण्य, कहा करो मनुष्य अपन गढ़ता रहता है। जहां गीतोक्त साधना समझी लगे पाप खत्म, भगवान कहते हैं इस गीत सृष्टि के सारे पापियों से अधिक पाप करने वाला हो, भारत में पापी होता है डुमार, जनजाति आदिवासी चमार, भगवान कहते हैं इन्हों का बाप, इन्हीं के परप दादा खाने हो, विश्व भर के पापियों का पाप लगा हो, तब भी इस गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। इन पाप पुण्य की सीमाएं आपने निश्चित की है, भगवान ने तो बस एक सीमा रखी है, अनित्यम असुखम लोकमिमम प्राप्य भजस्वमाम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, तो भजन का अधिकार भगवान मानव तन को देते हैं, चाहे आप ध्रुव प्रदेश में जन्मे हो चाहे साइबेरिया में। है तो मनु महाराज की संतान, भगवान के विशुद्ध अंश, सबकी समझ एक है। ठीक है, यज्ञ के परिणाम है उस जिस परमात्मा शाश्वत सत्य सनातन है, अमृत तत्व, उस अमृत का ज्ञान और सनातन ब्रह्म में स्थिति, करने का अधिकार उन सबको जिन्हें मानवतन उपलब्ध। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विदिस्तां एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार बहुत विधियों से जो यज्ञ अभी अभी बताया, हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करना, एक ब्रह्म में निष्ठ होना, सदगुरु के प्रति समर्पण, उनके निर्देशन के अनुसार साधना में लगना, संयमा अग्नि सुजुहवती, योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, संयमा अग्नि, 13-14 पॉइंट बताए। ये सब साधना पद्धति, वहां कहीं आग नहीं जलती, आग में डालने से हर चीज भस्मसात हो जाती है। संयम एक ऐसी अग्नि,
इंद्रियों का बहिर्मुखी प्रवाह सब शांत इष्टोन्मुखी हो जाता है। प्राणायाम ऐसी अग्नि की मन क्रम वचन इनका व्यवहार का सदकली शांत हो जाना और भगवान में लो लग जाना, प्राणों की गति पर विराम लग गया। इस प्रकार 13-14 अंग बताए एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार बहुत विधियों से बताया हुआ जो यज्ञ है भी हमने बताया, बीतता ब्राह्मणों मुखे जो ब्रह्म स्थित महापुरुषों से ब्रह्म से ही संचालित हुआ जो ब्रह्मा ने बनाया, ये जिस जिस उपाय से संपन्न हो जाए उस आचरण का नाम कर्म है। हर जोतने से होता हो कर डालो, दाढ़ी मारने से होता हो कर डालो, नेतागिरी से होता हो कर डालो, ये तो इस साधना में प्रवृत्त होकर संयम में लगोगे तभी संभव है। जिस विधि से यज्ञ संपन्न हो एवं बहुविधा यज्ञ बीतता ब्राह्मणों के कर्म जान विधि सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, कर्म से उत्पन्न हुआ जान ये जिस जिस उपाय से संपन्न हो उस आचरण का नाम कर्म है, इसे करके तुम विमोक्ष थे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। कोई छलांग मार के तो हो नहीं सकता। आज आपने आपकी समझ में आया गीतों की साधना, आज आपकी श्रद्धा जगी, आज आप लगे तो समाधि तो लग नहीं जाएगी। आप मोहनिशा से जगे हैं क्यों समझा, इस जागृति काल में एक ही कर्म पथ को चार भागों में भगवान ने बांटा, ये एक ही साधक की कर्मोन्नत अवस्थाएं हैं जिसका नाम व्रण है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणे कर्म विभाग सह, चार वर्णों की संरचना मैंने की, तो क्या इस मनुष्य को मार दिया चार भागों में? कहते नहीं, गुण है कर्म विभाग, गुणों के दबाव के अनुसार हमने कर्म को चार भागों में बांटा और यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म। तामसी गुण का बाहुल्य है आलस्य निद्रा प्रमाद रहेगी, 5 घंटे भजन बैठे हुए 10 मिनटों मनने लगी, वो बिटिया के गौने की चर्चा करत रह जाई, जो जो कर रहा वही। मन तो एक संकल्प की लहर का नाम है। ऐसी परिस्थिति में दबाव के अनुसार चार भागों में बांटा मैंने, किसको बांटा? कर्म को। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म, इस कर्म पद को चार भागों में बांटा। इसके बंटवारा करता मुझ अव्यक्त आत्मा को अकर्ता ही जान। आप करते हैं तो अकर्ता क्यों? आप में भले बुरे संस्कार पड़े क्यों नहीं? करते हैं तो करने का फल मिलना चाहिए। बोले न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले ईश्वरीहा इति माम यो भी जानाति कर्म विनश बद्यते। अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी ईश्वरीया नहीं है, क्योंकि कर्मों के परिणाम में ज्ञानामृत का भोजन सनातन वन में स्थिति, यह है कर्म का फल, वो मुझे प्राप्त। यज्ञ के परिणाम में आत्मदर्शन स्पर्श और स्थिति, वो मुझे प्राप्त। अब कर्म करने से शुभ संस्कार पड़ता नहीं अशुभ, लोग हित के लिए महापुरुष करते हैं, इसलिए कर्मों के फल में मेरी ईश्वरी यानी फल आगे है ही नहीं। और हम ही भर को ऐसी बात नहीं, जो भी इस स्तर से जान लेता है उसको भी कर्म नहीं बांधते, वो भी जैसा कृष्ण तैसा वो, उस स्तर से जानने वाला। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इसलिए अर्जुन तू तो पूर्वजों से किया हुए इस कर्म को कर, यही नहीं यही समझ कर कि कृष्ण को कर्म नहीं बांधते, उस स्तर से जो जान लिया कर्म नहीं बांधते, मैं जान लूंगा तो मुझे भी नहीं बांध देंगे,
यही समझकर मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने इस कर्म पर पथ पर कदम रखा, अर्जुन पूर्वजों से किए हुए कर्म को कर, तो मुझे अविनाशी स्वरूप को, मुझे भगवत स्वरूप को, अविनाशी परमात्मा के धाम को प्राप्त करोगे। ये वर्ण साधना के कर्मोन्नत सोपान है। एक ही साधक पहले अचेत था, जागृत हुआ, उत्कर्ष करते करते लक्ष्य के करीब पहुंचा, विपुल और विलेप आ गया प्राप्ति। गीता आपका क्रमबद्ध साधना पद्धति है। भजन किसका करें? एक परमात्मा का। कैसे करें? योग विधि यज्ञ, यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म। एक ही कर्म पथ में चलने वाले साधक चार प्रकार के, आरंभ में मांगता ही रहता है साधक। आज हम भजन शुरू किया तो हम जरूर मांगेंगे माता जी की तबीयत ठीक हो जाए, बिटिया का ब्याह हो जाए, क्योंकि हम इसी में से खड़े हुए, लड़के का प्रमोशन हो जाए, बुढ़ा हो गया तो बोले भगवान पन्नत का मुंह देख लें फिर बलूक उठा लो। हाँ, कुछ तो कुछ लगा ही हुआ है तो मांगेगा आज भजन शुरू किया तो। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञास हो गया नहीं। चार प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं। अर्थ माने दुख निवारण चाहने वाला, अर्थार्थी धन धान्य पुत्र पोत्र स्वर्ग चाहने वाला, जिज्ञासु मूलतः सत्य है क्या इसकी जानने की इच्छा वाला, और ज्ञानी केवल्य ज्ञान शाश्वत धाम चाहने वाला, केवल्य ज्ञान साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति, अमृत का ज्ञान चाहने वाले। चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, चारों उदार हैं। हमारे कर्म करने से भगवान कुछ मिल जाता है क्या? कौन सी हमने उदारता कर ली? वो अपने आत्मपथ की ओर अग्रसर है, भटकाव खत्म हो गया, अपनी राह पर आगे हैं, इसलिए उदार है। इसलिए मांगना है तो भगवान से मांगो, मिलेगा। भोगने में आया पीछे छूट जाएगा, नश्वर शाश्वत तो होगा नहीं। और जान पीछे छूटा फिर साधना यथावत आगे चलती रहेगी। और कुछ एक जन्म के अंतराल से वो वहाँ पहुँच जाएगा जिसमें परम गति है, परम धाम है, मेरा निस्वरूप है। अर्जुन धर्म अपरिवर्तनशील है, धर्म कभी बदलता ही नहीं। उस सनातन परमात्मा ज्योतिर्मय अमृत तत्व को प्राप्त करने का नाम धर्म है, प्राप्त करने की नियत विधि का नाम ही धर्माचरण है। स्कूली आचार्यों ने अर्थ निकाल लिया, चार वर्ण भगवान ने बनाए और गीता पर कड़े प्रतिबंध लगा दिया, घर में रखोगे तो लड़का साधु हो जाएगा। हिंदुओं के घर में गीता थी ही नहीं। आजादी आई तो एकता का कोई सूत्र मिला ही नहीं विद्वानों को, तो 100 वर्ष तक गीता लेके गांधी जी, तिलक है, विनोबा है, हजारों हजारों बंगाल के बहुत से नेता हुए, अरविंदो, गीता से ही उपदेश दिया। अंग्रेजों ने कहा हम फूट डालेंगे, शुद्धिस्तान बनाएंगे, गांधी जी झोंपड़ियों में जा खाना खाने लगे, झाड़ू लगाने लगे, सगे भाई है शूद्र नहीं, सीमा पार कर लेंगे आजादी की। तो गांधी जी के हाथ से गीता छीन लिया, पुराने नोटों पर है और फोटो भर रख दिया। गांधी जी की संपूर्ण पहचान थी, हाथ में गीता, लटकती हुई घड़ी और हाथ में लकुटी चदरी लपटी हुई। तो चदरी रखा, लकुटी रखा, लेकिन गीता हटा दिया। क्या गांधी जी की असली फोटो है? मात्र इतने के लिए 4 वोट कम ने मिले, लेकिन संपूर्ण समाज को तितर बितर करके 4 दिन वोट हम ले सकते हैं। जो समाज तितर बितर होती है, जिस समाज में फूट होती है,
भयंकर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, उस समाज का भाग्य वो समाज लिखती है जिसमें एकता होती है। तो गुलामी के कगार पर तो हम जा रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता। यहां तक नीचे गिरावट आई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हिंदू धर्म ही नहीं। वाजपेयी जी ने फरमाया एक विचार है, वर्तमान नेता कह रहे सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है, जीवन यापन पद्धति है। इस सब अनर्थ का कारण गीता का खो जाना। अब धर्म के विषय में फैसला देने वाले आप कौन होते हो? नेता धर्म जानते हैं क्या? यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी, ये शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। अर्जुन ने पूछा भगवान इस गीता ज्ञान को कोई कैसे प्राप्त करे, मैं कैसे प्राप्त करूं, किससे पूछूं? तो भगवान ने कहा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवक, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उपदेश करेंगे, उनसे जान लेने के पश्चात तुम्हें जीवन में कभी संदेह नहीं होगा। ईश्वर को धर्म में एक ईश्वर को धारण करना, पाने की विधि योग विधि यज्ञ, कार्यान्वित करना कर्म, एक कर्म पद को चार भाग बांटा वर्ण, अंत में चौथे वर्ण को पार करते ही दर्शन स्पर्श स्थिति। मांगो अरे भगवान हमारा नंबर ज्यादा मिल जाए, मांगो मिलेंगे। ठीक है, एक लड़का हनुमान जी के मंदिर में खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा था संकट मोचन में, ये हनुमान जी इंग्लिश का पर्चा कमजोर है, कृपा कर दे। तो इंग्लिश पढ़ाने वाले मास्टर पीछे खड़े थे, बोले अरे अरे हनुमान जी तो संस्कृत के पारगामी विद्वान थे, इंग्लिश क्या जाने, यदि इंग्लिश पढ़ना होगा तो उनको भी हमारे पास आना पड़ेगा, जब इंग्लिश से थोड़ी गड़बड़ तो हमसे पूछ। आपके धर्म में निसंदेह है, निसंदेह की गुंजाइश से सृष्टि बदल जाए धर्म नहीं बदल सकता, परने हो जाए तो भी नहीं बदल सकता, क्योंकि भगवान अपरिवर्तनशील। और भगवत पद की साधना एक जागृति है, और जागृति के पश्चात न भगवान मरेंगे न भगवान की आवाज प्रेरणा श्रुत मरेगा। कौन कहता धर्म नष्ट हो गया? ये सब भूले भटके लोगों के निर्देशन है। भगवान ने कहा अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली, अनंत क्रियाएं गढ़ लेते हैं, नाम वेद का ही लेते हैं, स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं। अर्जुन वो जन्म मृत्यु रूपी अनंत फल को प्राप्त होते हैं, वेदों पर डाला जन्म मृत्यु पिंड नहीं छोड़ा। आप ले वेद क्या है फिर पूछना, गीता में रंच बात भी संदेह हो पूछ लो। नेता लोगों की समझ से परे है, नेता लोगों से हमने कहवाया, आप पूछ ले धर्म क्या है, कुछ समझ में आया? आप पढ़े लिखे हैं, आप ही की वस्तु है गीता, घर घर में होनी चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।